यूपी के फतेहपुर जिले के मालवा रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी सांड से टकराने के बाद पटरी से उतर गई, जिसके बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे आरपीएफ पर रेलवे के अधिकारियों ने मालगाड़ी को रेलवे ट्रैक पर चढ़ाने का काम शुरू किया। दिल्ली हावड़ा रूट पर सुबह कानपुर से प्रयागराज जा रही मालगाड़ी 9:30 पर सांड से टकराने के बाद पटरी से उतर गई। वहीं आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि सांड के टकराने से मालगाड़ी का 2 पहिए पटरी से उतर गए हैं, जिसको सही कर रवाना किया जा रहा है। वहीं रेलवे के अधिकारी ने बताया कि 9:30 बजे मालगाड़ी पटरी से उतरी थी, जिसको रेलवे ट्रैक पर लाकर रवाना किया जा रहा है, लेकिन डाउन लाइन 2 बजे तक सही होगा। अभी अप लाइन से ट्रेन को निकाला जा रहा है। आवारा सांड के टकराने से ये डिरेलमेंट, अभी वो डिरेल कर दिया गया है, मौके की कार्रवाई चल रही है। कितने पहिए उतरे सर? 2 पहिए उतरे थे, अब चढ़ गए। हाँ सर, आपका परिचय सर? भारतीय पुलिस को खाते है 9:35 के आसपास की घटना है जी। तो अभी तक कोई गाड़ी पास हुई है यहाँ से? अभी डाउन तो ऑब्स्ट्रक्टेड है, अपलाइन से एक मालगाड़ी पास हुई है जी। जी जी, कब तक इसको क्लियर करा देंगे? बहुत जल्द से जल्द रिस्टोरेशन होगा। हमारी आरटी जो है प्रयागराज से फतेहपुर पहुँच गई है, 15-20 मिनट बाद आएगी यहाँ पे, उसको जल्द से जल्द रिस्टोरेशन करेंगे। ये समथिंग कितने घंटे बाधित रहा जो है? अरे अभी लगभग 45 मिनट में भी लगेगा, 3 बजे तक बाधित रहेगा। 3 बजे एक्सपेक्टेड जो है। अच्छा।